हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, मैं बता रहा था दो तीन दिन से बता रहा था आपके आपको कि राजस्थान ज्योग्राफी तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और कि एक दो दिन में मैं स्टाफ लेके आ रहा हूँ जो आपको राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाएंगे। और मैंने आपको 5-7 दिन पहले भी बोला था कि मैं अब एक स्टाफ हायर कर चुका हूँ, लेकिन मैं उस टाइम भी बोलता था, देखो मैं एक बहुत ही बेस्ट स्टाफ लेके आने की कोशिश कर रहा था कि बहुत अच्छा स्टाफ आए, जो एक बहुत अच्छे टीचर आए आपके लिए, जो आपको बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाएं। तो आज मैं लेके आया हूँ मुकेश जी हैं ये, और इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, बहुत गजब तरीके से पढ़ाते हैं और ये आपको पढ़ाएंगे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर। इसके अलावा यदि बात करें राजस्थान पॉलिटिकल साइंस की, तो वो वेद प्रकाश जी पढ़ाएंगे, राजस्थान ई को ये रामनिवास जी पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम कंप्लीट GS पढ़ेंगे और ये हमारा जो GS रहेगा वो कॉलेज लेक्चरर के लिए, इसके अलावा जो JN का एग्जाम होता है जो फिलहाल पोस्टपोन्ड हो चुका है, अब आगे उसकी क्या डेट आती है उसके लिए, और इसके अलावा पटवार व डीट सभी समस्त एग्जाम्स के लिए। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल हाई लेवल का है, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैं पढ़ा रहा था उसमें कंप्लीट ज्योग्राफी इंक्लूड कर रहा था, उसमें पिछले क्वेश्चन भी इंक्लूड थे, मार्केट में जो टॉप टॉप बुक थी उनका कंटेंट भी इंक्लूड था, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाएंगे। और ये आपको हिस्ट्री और कल्चर इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हिस्ट्री और कल्चर आपकी अंगुलियों पर याद हो जाएगी बिल्कुल शानदार तरीके से, क्योंकि इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका खुद का भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सिस्टम सही नहीं चल रहा। तो हिस्ट्री और कल्चर ये पढ़ाएंगे आपको, जो आज से क्लास कंटिन्यू है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की, ठीक है। तो अब आप इनसे पढ़ सकते हो। थैंक्स देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मेरा नाम है मुकेश कुमार मीणा और मैं आपको राजस्थान GK पढ़ाऊंगा। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट पहली बार भी पढ़ रहा है उसको भी राजस्थान का इतिहास में यहाँ का यहीं याद करवा दूंगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और वैसे तो आप पढ़ोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। और राजस्थान के GK में अपन राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान का एकीकरण, जो सबसे कठिन माना जाता है उसको मैं आज आपको इस आधे घंटे की क्लास में, एक घंटे की क्लास में कंप्लीट करवाता हूँ और यहाँ का यहीं याद करवाने की कोशिश करूँगा। ये राजस्थान का एकीकरण, ये राजस्थान का इतिहास अपन जो पढ़ेंगे, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम हो चाहे JN के एग्जाम हो और अदर्स राजस्थान लेवल की कोई सी भी एग्जाम हो, सब में सबको अपन कवर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब चालू करता हूँ अपना राजस्थान का एकीकरण। तो देखिए दोस्तों, अपना राजस्थान पहले रियासतों में बटा हुआ था, पहले जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले अपना देश, देखिए आप सबको पता है कि ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ था दोस्तों। कितने श्रेणियों में बटा हुआ था? ये 4 श्रेणियों में, A, B, C और D। देखिए A में क्या आते थे? प्रांत। क्या आते थे? प्रांत। और B में क्या थी? रियासतें। अच्छा, तो राजस्थान में देखिए रियासतें थी, इसलिए राजस्थान कौन श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। तो प्रश्न बनता है कि अपने राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान में कुल 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी। अच्छा, 19 रियासतें कौन कौन सी थी मैं आपको भी यहाँ का यहाँ याद करवा दूंगा। अच्छा देखिए, 19 रियासतें और राजस्थान में जो ठिकाने थे टोटल वो थे 3। तो ध्यान दो दोस्तों, ठिकाने कितने थे? 3। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये ठिकाने कम थे 3, तो ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे? देखिए एक ठिकाना था अपना कौन सा? लावा ठिकाना। कौन सा ठिकाना था? लावा ठिकाना। देखिए दोस्तों, ये लावा ठिकाना जो है ये अपना टोंक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? टोंक में। इसके अलावा देखिए एक ठिकाना था अपना कौन सा? कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना था दोस्तों? कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ जो ठिकाना है ये अपना पड़ता है कहां पर? बांसवाड़ा में। कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। अच्छा एक ठिकाना था अपना कौन सा? नीमराणा। नीमराणा ठिकाना है ये पड़ता है अपना कहां पर? अलवर में। कहां पर पड़ता है? अलवर में।
तो देख बार दोबारा देखिए, राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, 19। कितने रियासतें थी, 19। राजस्थान में कुल ठिकाने कितने थे, 3। ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे, देखिए एक ठिकाना था अपना कौन सा, लावा। ये लावा ठिकाना कहाँ पड़ता है, टोंक में। एक ठिकाना था अपना कौन सा, कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना है जो कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। अच्छा एक ठिकाना था अपना कौन सा, नीमराणा। तो देखिए दोस्तों नीमराणा ठिकाना कहाँ पड़ता है अपना, अलवर। तो दोस्तों एक बार दोबारा आंसर दो, बोलो राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, 19। ठिकाने कितने थे, 3। अच्छा लावा ठिकाना कहाँ पड़ता है अपना, टोंक में। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। नीमराणा ठिकाना कहाँ पड़ता है, अलवर। इसके बाद में देखिए दोस्तों कुछ मैं देखो रियासतें एक बार। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, कौन सी मानी जाती है भाई, मेवाड़। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी, मेवाड़। इसके बाद में देखिए दोस्तों राजस्थान की सबसे नई रियासत झालावाड़। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है, झालावाड़। इसके बाद में देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, मारवाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़। इसके बाद में देखिए राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है वह है कौन सी, सांपरा। सांपरा रियासत कहां पड़ती है, भीलवाड़ा में। कहां पड़ती है दोस्तों, भीलवाड़ा में। एक बार दोबारा देखिए राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी मानी जाती है भाई, मेवाड़। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है, झालावाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, सापुरा। सापुरा कहां है, भीलवाड़ा में। सापुरा कहां है, भीलवाड़ा। चलिए दोस्तों एक बार आंसर दीजिए, बताइए राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, मेवाड़। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है, झालावाड़। अच्छा राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, सापुरा। सापुरा कहां पे है, भीलवाड़ा में। अच्छा अब इसके बाद में देखिए दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि राजस्थान में कुछ चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश भी थे, वो कौन कौन से थे। देखिए राजस्थान में चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश, देखिए ये थे अपने कौन कौन से, अजमेर मेरवाड़ा। कौन से थे, अजमेर मेरवाड़ा और आबू, ये थे अपने राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश के चीफ कमिश्नर। चलो दोस्तों एक बार आंसर दो दोबारा, राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, अजमेर मेरवाड़ा और आबू। चलिए अब देखिए आप सबको इस बात का पता है कि अपना राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो टोटल कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। तो इस 7 चरणों में से अपने एग्जाम में जरूर कोई सा कोई सा क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए 7 चरण ध्यान दो अपन पढ़ेंगे। देखिए चरण, चरण के बाद में देखिए डेट कि वो चरण कौन सी तारीख को बना। उसके बाद में देखिए दोस्तों उस चरण का नाम क्या था। नाम के बाद में अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस चरण में कौन कौन सी रियासतें थी। रियासतों के बाद में देखिए अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि उस चरण का उद्घाटन करता क्या करता, उद्घाटन करता कौन था। उद्घाटन करता के बाद में क्वेश्चन बनता है कि उस चरण का प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री के बाद में एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है कि उस चरण का राज प्रमुख कौन था। इन चीजों से मिलकर के अपना क्या बनेगा, राजस्थान का एकीकरण। तो देखिए दोस्तों राजस्थान का जो पहला चरण, कौन सा चरण है, पहला चरण जो बना था उसकी तारीख थी 18 मार्च। कितनी थी, 18 मार्च 1948। यानी 18 मार्च 1948 को राजस्थान का
पहला चरण बना था। इस पहले चरण का जो नाम रखा गया उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। अब देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ का निर्माण कौन सी तारीख को हुआ था? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन ये बनता है, मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा कि मत्स्य संघ जब बना तो इस मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ नाम रखने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ नाम रखने का श्रेय कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी को जाता है, यानी केएम मुंशी को जाता है। फिर एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना कि ये जो मत्स्य संघ बना तो इस मत्स्य संघ का विरोध किसने किया? तो देखिए, उसका आंसर है मत्स्य संघ का विरोध किया था भरतपुर के शासक मानसिंह देशराज ने। तो देखिए, पहला चरण जो बना 18 मार्च 1948 को, देखिए इस चरण को बनाने का या इसका नाम रखने का श्रेय किसको जाता है? बताइए भाई, इस चरण का, मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ नाम रखने का श्रेय जाता है के एम मुंशी को। अब देखिए दोस्तों, मैं अलग से लिखवाऊंगा ये सारे नाम किस किस ने दिए। तो देखिए, ये मत्स्य संघ जो बना ये कितनी रियासतों और कितने ठिकानों से मिलकर बना? तो देखिए, इस मत्स्य संघ में टोटल 19 रियासतों में से कितनी रियासतें आई? 4। कितनी आई? 4। भाई राजस्थान एकीकरण का मतलब यही है कि पूरी रियासतों, ठिकानों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, इन सबको मिलाकर के एक राजस्थान बनाना है। तो देखिए, मत्स्य संघ में टोटल 4 रियासतें आई, ए बी सी और डी, यानी क्या क्या आई? ए बी सी डी। देखिए दोस्तों, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना भी आया। देखिए, उस ठिकाने का जो नाम था वो था नीमराणा। क्या नाम था? नीमराणा। देखिए दोस्तों, जो ठिकाना आया वो कौन सा था? नीमराणा। तो इन 4 रियासतों और एक ठिकाने से मिलकर के अपना क्या बना था? मत्स्य संघ बना था। अच्छा, अब देखिए, मत्स्य संघ जो बना, इस मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था? तो देखिए, इसका उद्घाटन करता था एन वी गोडगिल। कौन था दोस्तों? एन वी गोडगिल, यानी इसका पूरा नाम देखें तो नरहरि विष्णु गोडगिल। तो बताइए, प्रश्न एग्जाम में ये बनता है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? तो आप लोग आंसर दे के आओगे कि एन वी गोडगिल, यानी नरहरि विष्णु गोडगिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। फिर अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए भाई, इसका मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, तो इसका प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत। क्या था इसका? प्रधानमंत्री। अच्छा, इसके बाद में देखिए, शोभाराम कुमावत इसका प्रधानमंत्री बन गया। और देखिए, ध्यान दो, अरे भाई, अलवर को इस मत्स्य संघ की क्या बना दी? राजधानी बना दी। और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को इसका क्या बना दिया? राजप्रमुख। क्या बना दिया? राजप्रमुख। किसको बनाया राजप्रमुख है? उदयभान सिंह को। अच्छा, एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, बताइए मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ नाम रखने का श्रेय किसको जाता है? तो आप आंसर दोगे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, यानी के मुंशी को जाता है। अच्छा, मत्स्य संघ का विरोध किसने किया? भरतपुर के शासक मानसिंह देशराज ने। अच्छा, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 4। 4 रियासतें कौन कौन सी? ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, प्लस ठिकाना कौन सा था? इधर नीमराणा। इनसे मिलकर क्या बना अपना? मत्स्य संघ। अच्छा, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? आंसर दोगे एन वी गोडगिल ने किया। अच्छा, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत। अच्छा, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। और देखिए, मत्स्य संघ का राजप्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। कौन था? उदयभान सिंह। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन दूसरे चरण पे। कौन से चरण पे? दूसरा चरण। तो देखिए, दूसरा चरण जो अपना बना, देखो 18 मार्च 1948 को पहला चरण बना। अब इसमें सिर्फ अपन को तारीख ही चेंज करनी है, डेट चेंज करनी है। देखिए, 18 की जगह अपन को क्या लिखना है? 25 मार्च। महीना भी वही है और सन भी वही है 1948। तो 25 मार्च 1948 को अपना दूसरा चरण बना। इस दूसरे चरण का जो नाम था वो था राजस्थान संघ। क्या था दोस्तों? राजस्थान संघ। तो देखिए, राजस्थान संघ, इसको अपन पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व राजस्थान।
तो देखिए राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो आंसर दोगे 25 मार्च 1948 को। अब देखिए ये मत्स्य संघ अलग ही था, ये अपने राजस्थान में शुरू में मिलना नहीं चाहता था, इनका विचार उधर उत्तर प्रदेश की ओर जाने का था। अब देखिए तो 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण बना राजस्थान संघ, अच्छा इसमें कुल कितनी रियासतें आई, तो देखिए इसमें टोटल 9 रियासतें आई। कितनी रियासतें आई? 9। वो 9 की 9 रियासतें आपको अभी के अभी याद हो जाएगी। तो देखिए 19 में से देखो 4 रियासत इसमें आ गई और इसमें आ गई 9 रियासतें। वो जो 9 रियासतें थी वो थी कौन कौन सी? बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। देखिए पासे क्या बनता है? बांसवाड़ा। क्या बनता है? बांसवाड़ा। अच्छा भूसे को क्या बनता है? बूंदी। बोलिए झांसे क्या बनता है? झालावाड़। और डूसे क्या बनता है? डूंगरपुर। और किसे क्या बनता है? किशनगढ़। और कोसे क्या बनता है? कोटा। और परसे क्या बनता है? प्रतापगढ़। और सासे क्या बनता है? शाहपुरा। और टोसे क्या बनता है? टोंक। तो कुल कितनी रियासतें हो गई? ये 9 रियासतें हो गई। प्लस एक ठिकाना था इसमें, देखिए जो एक ठिकाना था वो था कौन सा बताइए भाई? कुशलगढ़। कौन सा था? कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा में था ना वो वाला ठिकाना। तो देखिए 19 रियासतें और एक ठिकाना था कौन सा? कुशलगढ़। इनसे मिलकर के अपना राजस्थान संघ बना। एक बार दोबारा देखो, बोलिए क्या है? बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बताइए बासे क्या बनता है? बांसवाड़ा। भूसे क्या बनता है? बूंदी। झांसे क्या बनता है? झालावाड़। और दूसरे क्या बनता है? डूंगरपुर। और किसे? किशनगढ़। कोसे क्या बनता है? कोटा। और परसे क्या बनता है? प्रतापगढ़। और सासे क्या बनता है? शाहपुरा। और टोसे क्या बनता है? टोंक। अच्छा ठिकाना कुशलगढ़। ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। अच्छा अब देखिए जैसे मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एनपी गौडगिल ने। आप मुझे बताइए राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का उद्घाटन भी किसने किया? एनपी गौडगिल ने किया। किसने किया? एनपी गौडगिल ने किया। अच्छा इसके बाद में देखिए इस राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था बताइए? गोकुललाल ऐसावा। कौन था? गोकुललाल ऐसावा। अच्छा इसके बाद में देखिए इसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था बताइए भाई? प्रधानमंत्री कौन था? गोकुललाल ऐसावा। और ध्यान दीजिए कोटा को क्या बना दिया? राजस्थान संघ की राजधानी। और कोटा के महाराजा भीम सिंह को क्या बना दिया? इसका राज प्रमुख। है क्या बना दिया भीम सिंह को? इसका राज प्रमुख बना दिया। तो ध्यान दीजिए ये जो दूसरा चरण है इसका राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह। और राजधानी क्या थी इसकी? कोटा। और देखिए बूंदी का जो महाराजा था बहादुर सिंह, कौन था? बहादुर सिंह। इस बहादुर सिंह को क्या बना दिया? इसका उपराज प्रमुख। क्या बना दिया इसका? बहादुर सिंह को क्या बना दिया भाई? उपराज प्रमुख बना दिया। अच्छा एक बार दोबारा देखो, बोलिए राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। अच्छा राजस्थान संघ में या पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें आई? 9। और ठिकाना कितना? 1। 9 रियासतें कौन कौन सी? बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। देखिए बासे क्या बनता है? बांसवाड़ा। भूसे कौन सी रियासत है? बूंदी। झांसे झालावाड़। डूसे डूंगरपुर। किसे? किशनगढ़। कोसे कोटा। परसे प्रतापगढ़। सासे शाहपुरा। और टोसे टोंक। और एक ठिकाना कौन सा आ गया इसमें? कुशलगढ़ ठिकाना आ गया। अच्छा अब इसके बाद में देखिए जो राजस्थान संघ है इसका उद्घाटन करता कौन था? एनवी गौडगिल। यानी मत्स्य संघ का भी एनवी गौडगिल था और इसका भी कौन है? एनवी गौडगिल ही है। अच्छा इसका प्रधानमंत्री देखिए पहले वाले चरण का शोभाराम कुमावत था और दूसरे का कौन है? गोकुललाल ऐसावा। अच्छा राजस्थान संघ का संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी? कोटा। और कोटा के महाराजा भीम सिंह को क्या बनाया? इसका राजप्रमुख बनाया। और बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को क्या बनाया? उपराज प्रमुख। क्या बनाया? उपराज प्रमुख। अच्छा देखिए बांसवाड़ा का महाराजा पहले मिलना नहीं चाहता था लेकिन अंत में मिली गया। तो ध्यान दो बांसवाड़ा के महाराजा था उस समय चंद्रवीर सिंह। पर बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो उसने कहा, क्या कहा? कि मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अच्छा अब इसके बाद में देखिए दोस्तों तीसरा चरण कौन सा चरण है?
तीसरा। तो देखिए पहला चरण 18 मार्च को बना, दूसरा चरण 25 मार्च को बना, सन यहां भी 48 है, यहां भी 48 है। अब देखिए इस 18 को वापिस लिया हुआ आप, यानी सिर्फ तारीख चेंज करनी है, 18 वापिस लिया है। अब देखो दोनों का महीना मार्च था, लेकिन अब की बार महीना चेंज होगा, यानी क्या आ जाएगा, अप्रैल, और सन तो वही आ जाएगी 1948, यानी तीसरा चरण बना 18 अप्रैल 1948 को। अच्छा देखिए जो तीसरा चरण बना इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया संयुक्त राजस्थान। देखिए भाई क्या नाम रखा गया, संयुक्त राजस्थान। अच्छा अब देखिए ये चरण अभी अलग था, मिलेगा लेकिन ये थोड़ा रुक के मिलेगा। अब ध्यान दो, अब जो भी रियासतें आएगी एक दूसरे में मिलती जाएगी और अपना राजस्थान बढ़ता जाएगा। तो देखिए तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को बना, और देखो ये कैसे बना, संयुक्त राजस्थान। देखिए अरे इसमें एक रियासत आई, और वो रियासत कौन सी आई बोलो, उदयपुर। कौन सी आई, उदयपुर। और देखिए ये उदयपुर रियासत ऊपर जाके मिल गई, ऊपर इन नौ में, यानी कि राजस्थान संघ में क्या जाके मिल गई, उदयपुर। कौन सी तारीख को, 18 अप्रैल 1948 को। तो ध्यान दो अलग तारीख को जाके मिली, तो इसका ध्यान दो भाई नाम रख दिया। देखो इस चरण का क्या नाम रख दिया, संयुक्त राजस्थान। तो अब आपको पता लग गया कि संयुक्त राजस्थान देखिए कैसे बना, कि संयुक्त राजस्थान संघ ऐसे बना कि राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत जाकर मिल गई, और ध्यान दो संयुक्त राजस्थान बन गया। अब सुनो संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को हुआ, और इस संयुक्त राजस्थान में अब आप लोग बताइए इसमें कुल कितनी रियासतें हो गई। तो आप लोग आंसर दोगे कि 9 रियासतें तो पहले से थी और एक उदयपुर और मिल गई, तो यानी संयुक्त राजस्थान में कुल 10 रियासतें। ठीक है ना, तो एक ही है कुशलगढ़। अच्छा तो इन 10 रियासतें हो गई संयुक्त राजस्थान में। अब देखिए संयुक्त राजस्थान का जो ध्यान दो उद्घाटन करता था, उद्घाटन करता कौन था बताइए, ध्यान दो चाचा, कौन था चाचा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया बोलो, उद्घाटन किया। कौन चरण का, तीसरे चरण का, संयुक्त राजस्थान का। अच्छा अब देखिए तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, तो आप लोग बताइए संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो ध्यान दो वो था माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री कौन था भाई इसका, माणिक्यलाल वर्मा। क्या बन गया इसका, प्रधानमंत्री बन गया। और देखिए दोस्तों उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की क्या बना दी, राजधानी। क्या बना दी, राजधानी बना दी। और ध्यान दो उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह को, किसको, भोपाल सिंह को, अच्छा क्या बना दिया इसका, राज प्रमुख बना दिया। अब देखिए उदयपुर रियासत इसी में जाके मिली, यानी दूसरे चरण में मिली जब तीसरा चरण बन गया। अब सुनिए इसका जो राज प्रमुख बना वो कौन था, भोपाल सिंह। कौन था, भोपाल सिंह। तो देखिए ये जो उदयपुर रियासत ऊपर जाके मिली, यानी दूसरे चरण में मिली, और दूसरे चरण का राज प्रमुख कौन था, भीम सिंह। कौन था, भीम सिंह था। तो देखिए इस भीम सिंह को इस चरण में लाकर क्या बना दिया, उपराज प्रमुख। क्या बना दिया, उपराज प्रमुख बना दिया। तो बताओ तीसरे चरण में उपराज प्रमुख कौन बना, भीम सिंह। कौन बना, भीम सिंह। अब सभी चरणों में उपराज प्रमुख कौन रहेगा, भीम सिंह ही भीम सिंह रहेगा जहां तक रहेंगे जब तक ये। अच्छा एक बार दोबारा आंसर दो या समझो, देखिए संयुक्त राजस्थान का निर्माण बताइए कब हुआ, 18 अप्रैल 1948 को। तो ध्यान दो ये संयुक्त राजस्थान बना कैसे बना, यानी उदयपुर रियासत ऊपर राजस्थान संघ में जाकर मिल गई और संयुक्त राजस्थान बन गया। बताइए संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। और ध्यान दीजिए संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी, उदयपुर थी। और देखिए संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन था, भोपाल सिंह था। और उपराज प्रमुख कौन था, भीम सिंह जो कोटा वाला ही था। अच्छा इस प्रकार से अपना कौन सा चरण बना भाई, तीसरा। कौन सा चरण बना, तीसरा। अब चलते हैं अपन कौन से चरण पे, चौथे चरण पे। कौन चरण पे, चौथा। तो देखिए चौथा चरण अपना बताइए राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 23 मार्च को। तो ध्यान दो अपना चौथा चरण बना था 30 मार्च, कब बना था, 30 मार्च। अच्छा अब देखिए भाई अब सन बदलेगी तीन चरणों के बाद, यानी 1949 को। तीसरा चरण बना था कब, 30 मार्च
49 को बना था, और ये जो तीसरा चरण बना देखिए इसका जो नाम था वो था बृहत राजस्थान। क्या नाम था? बृहत राजस्थान। अब देखिए बृहत राजस्थान यानी कि देखिए ध्यान दो ये उदयपुर इसमें जाके मिली जब तीसरा चरण बना। अब ध्यान दो कोई रियासतें आएगी और वो इसमें जाके मिलेगी जब अपना क्या बनेगा? बृहत राजस्थान। क्या बनेगा? बृहत राजस्थान। तो देखिए इसमें चार रियासतें आई जे 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 बी यानी दोबारा देखो जे 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 बी। अच्छा बोलो जैसे क्या बनता है? जयपुर। क्या बनता है? जयपुर। फिर जैसे जोधपुर और फिर जैसे जैसलमेर और फिर बी से क्या बनेगा? बीकानेर। एक बार दोबारा देखो जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर यानी चार रियासतें हैं। ये चारों रियासतें ऊपर जाके मिल गई ऊपर यानी संयुक्त राजस्थान में। किसमें? संयुक्त राजस्थान में जाके मिल गई और अपना क्या बन गया? बृहत राजस्थान बन गया। क्या बन गया? बृहत राजस्थान। तो अब देखो इस संयुक्त राजस्थान में पहले से कितनी रियासतें थी? 10। अच्छा चार और जाके मिल गई तो बताओ बृहत राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हो गई? 14। वैसे चार कितनी होती है? 14। अच्छा अब देखिए जी बृहत राजस्थान बना तो बताइए इस बृहत राजस्थान का अब आप लोग मुझे बताओ उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ध्यान दीजिए इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। और दूसरी बात राजस्थान के एकीकरण राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को ही जाता है। अच्छा इसके बाद में देखिए ध्यान दो इसका उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया बृहत राजस्थान का। और बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ध्यान दीजिए बृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री। इसको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। और देखिए जयपुर को क्या बना दी? इसकी राजधानी। क्या बना दी जयपुर को? राजधानी बना दी। और जयपुर का महाराजा कौन था? उस समय मानसिंह। कौन था? मानसिंह द्वितीय। तो ध्यान दो जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को इसका क्या बना दिया? राज प्रमुख बना दिया। अच्छा मैंने क्या बोला था कि इसमें भी उपराज प्रमुख तो वही कोटा वाला यानी तीसरे चरण का उपराज प्रमुख है वही इसमें उपराज प्रमुख रहेगा। तो देखिए इसमें उपराज प्रमुख कौन है? वही भीम सिंह। कौन है? भीम सिंह। अच्छा इसके बाद में देखिए यानी कि उदयपुर रियासत इसमें जाके मिली तो इसके राज प्रमुख को इसमें उपराज प्रमुख बना दिया। अब ध्यान दो अब इस उसी तरह से देखिए ये रियासतें भी इसमें जाके मिली और इसमें राज प्रमुख यानी तीसरे चरण में राज प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह था। तो ध्यान दो इस भोपाल सिंह को भी इसमें कुछ न कुछ बनाना चाहिए ना। तो ध्यान दीजिए इस भोपाल सिंह को चौथे चरण में ला करके क्या बनाया? महाराजा प्रमुख। क्या बनाया? महाराजा प्रमुख बना दिया। तो आप लोग मुझे ये बताओ महाराजा प्रमुख किसको बनाया? भोपाल सिंह को। किसको बनाया? भोपाल सिंह को। तो ध्यान दो ये भोपाल ये महाराजा प्रमुख का पद कौन से चरण में आया? चौथे चरण में। कौन से चरण में आया? चौथा चरण यानी 30 मार्च 1949 को। एक बार दोबारा ध्यान दो बताइए बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। अच्छा बृहत राजस्थान में ध्यान दो भाई बृहत राजस्थान कैसे बना यानी कि चार रियासतें और आई कौन कौन सी? जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर ये चारों रियासतें संयुक्त राजस्थान में जाकर मिल गई और क्या बन गया? बृहत राजस्थान बन गया। तो बृहत राजस्थान का निर्माण कौन सी तारीख को हुआ? तो आप लोग आंसर दे क्या होगे 30 मार्च 1949 को हुआ। और ध्यान दीजिए ये जो बृहत राजस्थान बना अरे इस बृहत राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी सबसे ज्यादा किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरा नाम जुड़ता है वीपी मेनन का। किसका जुड़ता है? वीपी मेनन का। अच्छा अब देखिए बताइए बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था?
तो आंसर आएगा हीरालाल शास्त्री। अच्छा इसके बाद में देखिए, जो वृहत राजस्थान का राज प्रमुख कौन है, मानसिंह द्वितीय। कौन है? मानसिंह द्वितीय। अच्छा इसका उपराज प्रमुख भीम सिंह। कौन है? भीम सिंह। और इसका महाराजा प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह को। तो महाराजा प्रमुख का पद कब सर्जित हुआ? 30 मार्च 1949 यानी चौथे चरण में। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि जो चौथे चरण का राज प्रमुख है वही पांचवे का रहेगा, उपराज प्रमुख भी वही रहेगा और महाराजा प्रमुख भी वही रहेगा पांचवे में, और छठे में भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, और सातवें में सारे समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह पद आ जाएगा राज्यपाल का। कौन सा पद आ जाएगा? राज्यपाल का। तो देखिए जो पांचवा चरण बना, पांचवा चरण, अब देखिए ध्यान दो, 30 का आधा कितना होता है? 15। अच्छा देखिए 15 मई 1949 को, यानी देखिए भाई कब बना बताइए, 15 मई 1949 को। अच्छा कौन सा चरण बना? पांचवा। अच्छा पांचवा चरण जो बना, ध्यान दीजिए, देखिए इसका नाम संयुक्त राजस्थान, इसका नाम वृहत राजस्थान, और ध्यान दो इस पांचवे चरण का नाम रख दिया संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम रख दिया? संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी कि इन दोनों का नाम मिला दिया और रख दिया संयुक्त वृहत राजस्थान। अब देखिए, अब आप सबको पता है कि भाई ये चारों रियासतें ऊपर संयुक्त राजस्थान में जाकर मिली तब वृहत राजस्थान बना। अब ध्यान दो, अब कोई रियासत यहां आएगी और वृहत राजस्थान में मिलेगी जब क्या बनेगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या बनेगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। तो ध्यान दो दोस्तों, देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका कि संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। स्टूडेंट आंसर देख के आ जाते हैं कि संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान मिलकर क्या बन गया? संयुक्त वृहत राजस्थान बन गया। तो देखिए बिल्कुल गलत है, अरे इन दोनों का नाम जरूर मिलाकर रख दिया लेकिन ये दोनों मिलकर ये थोड़ी बना, क्योंकि देखो ये इसमें जाके मिला जब ये बना था, अब कोई यहाँ रियासतें आएगी वो इसमें मिलेगी जब बनेगा, यानी कि नाम जरूर दोनों का मिला के रख दिया। तो अब देखो मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण। तो ध्यान दो, देखिए वीपी मेनन ने भरतपुर और धौलपुर की जनता का विचार जानने के लिए एक समिति गठित की, उस समिति का नाम था शंकर देव राय समिति। क्या नाम था? शंकर देव राय समिति। अच्छा देखिए, अब एक बार जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन बना कि शंकर देव राय समिति में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन थे? देखिए एक तो खुद शंकर देव था, उसके अलावा एक आर के सिद्धावा, और तीसरे थे कौन? प्रभु दयाल। तो कौन कौन थे? शंकर देव, आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल। तो ध्यान दो, शंकर देव राय समिति यहाँ पर गई और इनके राजा महाराजाओं से, यहाँ की जनता से मिली और कहा तुम अकेले रह के क्या करोगे, तुम भी हम में आके शामिल हो जाओ और एक नया राजस्थान बनाएंगे और सबका विकास करेंगे। तो उस शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ये मत्स्य संघ वृहत राजस्थान में मिलने के लिए तैयार हो गया। तो बताइए इस मत्स्य संघ का विलय बताओ किस में हुआ? वृहत राजस्थान में, यानी चौथे चरण में हुआ। और ध्यान दो, ये मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान मिलकर, दोनों मिलकर क्या बना? संयुक्त वृहत राजस्थान बना। यानी कि ये समझो कि देखिए ये पहला चरण यानी मत्स्य संघ में पकड़ के लेके आ रहा हूं, ये मत्स्य संघ, देखिए ये मत्स्य संघ क्या लिख दिया, पहला चरण। तो देखिए मत्स्य संघ किस में आके मिला? चौथे चरण में। कौन से में आके मिला? चौथे चरण में, यानी पहला प्लस चौथा मिलकर के पांचवा बना। कौन सा बना? पांचवा। पहला प्लस चौथा मिलकर कौन सा बना? पांचवा। और पांचवे का मतलब है संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या है? संयुक्त वृहत राजस्थान। देखो तो अब ध्यान दीजिए, देखिए यानी कि ये जो चौथा चरण बना था इसमें जयपुर के साथ साथ लावा भी आ गया था। क्या आ गया था? लावा। अब देखिए यहां पर जो पहला चरण, पहले चरण में यानी देखो पहला चरण प्लस चौथा मिलके पांचवा बन गया। अब देखो पहले का मतलब है मत्स्य संघ और चौथे का मतलब है वृहत राजस्थान, और ध्यान दो मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान मिलकर के संयुक्त वृहत राजस्थान बना। अब ध्यान दो,
अब बताइए मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? चार। कितनी थी? चार। अच्छा, और इस वृहत राजस्थान में कितनी थी बोलो? 14। कितनी थी? 14। तो सिर्फ वृहत राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हो गई? 18। कितनी रियासतें हो गई टोटल? 18। तो यानी सिर्फ वृहत राजस्थान में कुल 18 रियासतें हो गई। अब देखिए ध्यान दो, राजधानी इसमें जयपुर थी, इसके बाद इसमें भी राजधानी क्या है? जयपुर। और आज भी राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर ही है। अच्छा देखिए, यहाँ पर उद्घाटन करता कोई नहीं है। अच्छा उद्घाटन करता कोई नहीं है। अब इसके बाद बात आती है प्रधानमंत्री की, तो देखिए इसका प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। और यहाँ भी प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री है। और देखिए राजप्रमुख की बात आती है, तो जो चौथे चरण का राजप्रमुख मानसिंह था वही पांचवे का है। उपराजप्रमुख जो चौथे का भीमसेन था वही इसका उपराजप्रमुख है। और महाराजा प्रमुख जो चौथे का भोपाल सिंह था वही सेम टू सेम पांचवे का है। यानी ये सारे के सारे क्या है? सेम टू सेम है, जो चौथे के वही पांचवे। एक बार दोबारा देखो, बताइए पांचवा चरण कब बना? 15 मई 1949 को। पांचवा का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। अब देखिए ऐसे कई क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मत्स्य संघ का विलय किस में हुआ? आंसर दोगे बृहत राजस्थान में हुआ। अच्छा मत्स्य संघ और बृहत राजस्थान मिलकर क्या बना? आंसर दोगे संयुक्त बृहत राजस्थान बना। अच्छा अब देखिए मत्स्य संघ का विलय बृहत राजस्थान में कौन सी तारीख को हुआ? तो क्या आंसर दोगे? 15 मई 1949 को हुआ। अच्छा मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर हुआ। इस शंकरदेव राय समिति में कुल कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन से थे? एक तो शंकरदेव, एक आर के सिद्धावा और एक कौन थे? प्रभु दयाल। अच्छा बताइए इस संयुक्त वृहत राजस्थान में कुल रियासतें कितनी हो गई? 18। कितनी हो गई? 18 रियासतें हो गई। अच्छा तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान मिलकर के क्या बन गया? अपना संयुक्त वृहत राजस्थान बन गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर उद्घाटन करता कोई नहीं है, प्रधानमंत्री इसका है वही इसका है हीरालाल शास्त्री, और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख भीम सिंह और महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह जो चौथे के है वो के वही किसके है? पांचवे के है। अच्छा अब इसके बाद में देखिए ध्यान दो, छठा चरण कौन सा चरण? छठा। अब देखिए छठा चरण जो बना था अपना वो बना था देखिए 26 जनवरी कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा भारत सरकार ने एक तरह से अपने राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया था 26 जनवरी 1950 को, तो छठा चरण बना 26 जनवरी 1950 को। अच्छा देखिए इसका नाम राजस्थान, क्या नाम दोगे इसका? राजस्थान। अच्छा अब देखिए यहां तक 18 रियासतें हो गई। अच्छा कुल रियासतें मैंने आपको कितनी बताया था? 19। तो यानी कितनी बची? 1। तो बताइए जो एक रियासत बची वो कौन सी थी? सिरोही। कौन सी थी बोलो? सिरोही। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अंतिम बार कौन सी रियासत का विलय हुआ, तो आप आंसर दे क्या होगी? सिरोही को। तो ये सिरोही भी पांचवें चरण में जाके मिल गई और छठा चरण बन गया। तो छठा चरण कब बना? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा देखिए चौथे चरण की राजधानी जयपुर थी, फिर सब में राजधानी जयपुर, आज भी राजधानी क्या है? जयपुर ही है। अच्छा उद्घाटन करता यहाँ पर कोई नहीं है। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया और ध्यान दो राज्यों में एक तरह से प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद आ गया। और ध्यान दो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को देखिए, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री की जगह कौन सा पद है भाई? सीएम का, यानी मुख्यमंत्री का। और इस हीरालाल शास्त्री दोनों चरणों में, यानी हीरालाल शास्त्री दोनों चरणों में प्रधानमंत्री था और छठे चरण में इसी को क्या बना दिया? सीएम बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया हीरालाल शास्त्री। तो देखिए ये हीरालाल शास्त्री अपना क्या बन गया? पहला मुख्यमंत्री बन गया। तो बताइए राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री से पहले क्या था? तो आंसर दोगे प्रधानमंत्री। क्या था? प्रधानमंत्री। अच्छा इसके बाद में देखिए राज प्रमुख की बात आती है, तो राज प्रमुख महाराजा प्रमुख और उपराज प्रमुख जो चौथे के है वही किसके है? चौथे के वही पांचवे के है और वही किसके है? छठे के। अच्छा तो ये बन गया अपना कौन सा चरण? छठा। तो बताइए छठा चरण कौन सी तारीख को बना? आंसर दोगे 26 जनवरी 1950 को। अच्छा इसका नाम क्या दिया? राजस्थान। क्या नाम दिया? राजस्थान। अच्छा आप लोग मुझे बताइए अंतिम बार कौन सी रियासत का विलय हुआ? सिरोही का। कौन सी रियासत का विलय हुआ? सिरोही का। अच्छा इसके बाद में देखिए
उद्घाटन करता कोई नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखो पीएम की जगह सीएम का पद आ गया और राजस्थान का पहला सीएम किसको बना दिया, हीरालाल शास्त्री को बना दिया। और यहाँ पर राज प्रमुख कौन है, जो सेम टू सेम जो पांचवे के थे वही किसके है, छठे के है। अब आ जाओ कौन चरण पे, सातवें। कौन चरण पे, सातवें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, तो आप लोग आंसर दोगे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देखिए 1 नवंबर 1956 को। कब आया, 1 नवंबर 1956 को। या राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए ये लिख दिया मैंने वर्तमान राजस्थान। अच्छा अब देखिए कुछ राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश थे वो भी आ गए, जैसे अजमेर। कौन कौन से हैं, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, ये राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छा इनके अलावा देखिए एक जगह और है सुनेल टप्पा, कौन सी है, सुनेल टप्पा। अच्छा ध्यान दो ये सुनेल टप्पा जो जगह है देखिए ये भी अपने एमपी से ले लिया गया, कहां से लिया गया इसको, एमपी में। और राजस्थान का हिस्सा सिरोंज था, वो सिरोंज एमपी को दे दिया और उसके बदले में सुनेल टप्पा को हमने राजस्थान में ले लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, सुनेल टप्पा का राजस्थान में विलय कब हुआ, आंसर दोगे 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, आंसर दोगे 1 नवंबर 1956 को। अच्छा इसके बाद में देखिए उद्घाटन करता तो कोई है नहीं, आवाज आती है बात मुख्यमंत्री की, तो ध्यान दो 1956 में यानी पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, तो आप लोग आंसर दोगे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था, मोहनलाल सुखाड़िया। पूर्ण एकीकरण के समय क्या था अपने राजस्थान का मुख्य मंत्री था। और अब देखिए बात आती है किसकी, बताइए ये राज प्रमुख इनकी आती है, तो ध्यान दो 1 नवंबर 1956 को। अरे राजस्थान में ध्यान दीजिए भाई ये सारे पद हट गए और इनकी जगह राज्यपाल का पद आ गया। और ध्यान दीजिए राजस्थान का जो पहला राज्यपाल बना वो बना था गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बना था, गुरुमुख निहाल सिंह। इसको राजस्थान का क्या बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। इस तरह से अपना राजस्थान का एकीकरण हुआ। अच्छा ध्यान दीजिए राजस्थान के एकीकरण में देखिए कुल समय कितना लगा, तो ध्यान दो कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। तो एक बार दोबारा देखो इसको, कहीं पे भी कंफ्यूज है, बहुत कठिन चीज है, इसको आपको आज का आज ही पढ़ना पड़ेगा, इसको एक बार पूरे को देखना पड़ेगा, आज का आज ही याद करना पड़ेगा। एक बार याद हो गया तो इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। एक बार दोबारा देखिए, बोलिए मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ में कुल रियासतें कितनी थी, 4, ए बी सी डी यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और ठिकाना कौन सा इसमें, नीमराणा। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, एन वी गोडगिल ने किया। और देखिए मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो था कौन, शोभाराम कुमावत था। और इसका जो राज प्रमुख था वो था कौन, उदयमान सिंह। इसके बाद में देखिए दूसरा चरण बना अपना 25 मार्च 1948 को। अच्छा देखिए इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ में जो कुल रियासतें आई वो आई 9 रियासतें। देखिए बाबू झाड़ू की को परसाटो, तो ध्यान दीजिए बा से बढ़ता है बांसवाड़ा, भू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पर से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, और टौ से टोंक, और ठिकाना कौन सा इसमें, कुशलगढ़। अच्छा उद्घाटन करता इसका भी एन वी गोडगिल, इसका भी कौन है, एन वी गोडगिल है। अच्छा यहाँ पर प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, और यहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए दूसरे चरण का कौन था, गोकुलाल ऐसावा। अच्छा राज प्रमुख कौन है, भीम सिंह। उपराज प्रमुख कौन है, बहादुर सिंह। अच्छा इसकी राजधानी क्या थी, कोटा, और पहले चरण की क्या थी, अलवर। अच्छा अब देखिए तीसरा चरण यानी संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948 को। अच्छा संयुक्त राजस्थान देखिए कैसे बना, यानी कि ये जो नौ रियासतें थी, नौ रियासतों का मतलब राजस्थान संघ में उदयपुर और जाके मिल गई तो संयुक्त राजस्थान बन गया, यानी नौ कितनी रियासतें हो गई, 10। कितनी हो गई, 10। इसका उद्घाटन करता कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को। राज प्रमुख भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख कौन है, भीम सिंह। और संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या है, उदयपुर। अब देखिए चौथा चरण यानी बृहत राजस्थान,
ध्यान दीजिए, वैध राजस्थान बना 23 मार्च 1949 को बना। अच्छा, वैध राजस्थान अच्छी तरह ध्यान दो, यानी संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें थी और इसमें देखो ये 4 रियासतें और आ गई, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें ऊपर जाके मिल गई संयुक्त राजस्थान में और क्या बन गया, वृहत राजस्थान बन गया। तो ध्यान दो यहाँ तक देखिए, 10 रियासतें और एक ठिकाना था और यहाँ पर 4 रियासतें और आ गई और जयपुर के साथ साथ लावा भी आ गया, तो यहाँ पर ध्यान दो 14 रियासतें और 2 ठिकाने हो गए। कौन कौन से ठिकाने, एक तो कुशलगढ़ और एक कौन सा हो गया, लावा। अच्छा, इसके बाद में देखिए इसका उद्घाटन करता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एकीकरण का श्रेय भी किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। अच्छा, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन है, हीरा लाल शास्त्री। अच्छा, बृहत राजस्थान का राज प्रमुख कौन था, मान सिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख भीम सिंह और महाराजा प्रमुख कौन है, गोपाल सिंह है। अच्छा, इसके बाद में देखो छठा चरण ध्यान, सॉरी पांचवा चरण कब बना बताइए, 15 मई 1949 को बना। अच्छा, पांचवा चरण बना, इसका जो नाम रखा गया वो था संयुक्त बृहत राजस्थान। क्या नाम रखा गया, संयुक्त बृहत राजस्थान। अब देखिए संयुक्त बृहत राजस्थान कैसे बना, मैंने आपको बताया कि मत्स्य संघ और बृहत राजस्थान मिलकर के क्या बना, संयुक्त बृहत राजस्थान बना, यानी मत्स्य संघ का विलय चौथे चरण में हुआ बृहत राजस्थान में और ये दोनों मिलके पांचवा चरण बन गया। मैंने आप यहां से आप पकड़ के लेके आया कि ये पहला चरण पकड़ के लेके आ गया, इसको किसने प्लस कर दिया, चौथे में प्लस कर दिया और पहला प्लस चौथा मिलकर कौन सा बन गया, पांचवा। कौन सा बन गया, पांचवा। पांचवे का मतलब संयुक्त बृहत राजस्थान। और अब आप लोग यह आंसर नहीं दोगे कि संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान मिलकर संयुक्त बृहत राजस्थान बन गया, ये गलत है, क्योंकि नाम जरूर दोनों का मिला के रख दिया, जबकि ये बना कैसे संयुक्त बृहत राजस्थान, मैंने बताया कि मत्स्य संघ और बृहत राजस्थान मिलकर ये बना। अब एग्जाम में ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ, 15 मई 1949 को हुआ। और दूसरी बात देखिए, मैंने बताया कि मत्स्य संघ का विलय बृहत राजस्थान में कौन समिति के द्वारा हुआ, तो आप आंसर दोगे शंकर देवराय समिति। अच्छा, शंकर देवराय समिति में कुल कितने सदस्य थे, 3। कौन कौन से थे, शंकर देव, प्रभु दयाल और आर के सिद्धावा। अच्छा, इसके बाद में देखिए यहाँ पर उद्घाटन करता नहीं है पांचवें चरण में, पांचवें का प्रधानमंत्री वही हीरा लाल शास्त्री है। अच्छा, उधर राज प्रमुख, महाराजा प्रमुख और उपराज प्रमुख की बात आती है, तो जो चौथे के है सैम, तो सैम वही किसके है, पांचवे के है, यानी वही राज प्रमुख मान सिंह है, द्वितीय है, उपराज प्रमुख भीम सिंह है और महाराजा प्रमुख कौन है, भोपाल सिंह। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए ध्यान दो, छठा चरण बना 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को जो राजस्थान बना अपना, इसका नाम राजस्थान दिया। अच्छा, ध्यान दो यहाँ पर देखिए टोटल, अच्छा एक चीज और इनका बताऊं आपको कि ध्यान दो, जो चौथा चरण आया इसके साथ साथ ठिकाना भी आ गया निमराना, तो यहाँ पर पांचवे चरण में पूरे ठिकाने एक जगह हो गए थे तीनों के तीनों। अच्छा, तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक 14 रियासतें थी, 14 यानी कि देखो पहला चरण और आ गया था और इस पहले चरण में 4 रियासतें थी, तो ध्यान दो 14 पहले से ही थी और 4 रियासतें और आ गई, तो पांचवें चरण में कुल 18 रियासतें हो गई थी और टोटल रियासतें 19 थी। तो अंतिम बार कौन सी रियासत का विलय हुआ, तो क्या आंसर दोगे, सिरोही का। क्या आंसर दोगे, सिरोही का। अच्छा, इसके बाद में देखिए ध्यान दो, उद्घाटन करता कोई नहीं है पांचवे का। अब आ जाओ आप लोग छठे चरण में, तो 26 जून 1950 को राजस्थान बना, अंतिम बार सिरोही रियासत का विलय हुआ। अच्छा, उद्घाटन करता यहाँ भी कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ बात आती है प्रधानमंत्री की, तो ध्यान दो छठे चरण में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद आ गया और हीरा लाल शास्त्री को ही प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बना दिया। तो राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, हीरा लाल शास्त्री ही बना था। अच्छा, इधर राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और महाराजा प्रमुख की बात आती है, तो जो चौथे चरण में थे सेम टू सेम वही पांचवे के है और वही किसके है, छठे के, यानी कि राज प्रमुख कौन आएगा, मानसिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख पूछे तो भीम सिंह और महाराजा प्रमुख पूछे तो भोपाल सिंह आंसर आएगा। अब आ जाओ सातवां चरण, तो देखिए 1 नवंबर 1956 को, यानी राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ, 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, तो इसका नाम क्या दिया, वर्तमान राजस्थान। अच्छा, देखिए
अजमेर मेरवाड़ा आबू सुनेल टप्पा का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो आंसर दोगे आप लोग 1 नवंबर 1956 को। अच्छा ये आबू जो जगह है वर्तमान में कहाँ पे, सिरोही में है, तो ध्यान दो सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ, तो आंसर दोगे 2 चरणों में। कितने चरणों में हुआ, 2 चरणों में। अच्छा इसके बाद में देखिए यहाँ पर ध्यान दो भाई, उद्घाटनकर्ता कोई है नहीं। अब बात आती है किसकी, प्रधानमंत्री की, सॉरी मुख्यमंत्री की, तो ध्यान दो पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। और ध्यान दो छठे सातवें चरण में यहाँ पर राज प्रमुख की जगह पद आ गया राज्यपाल का, और राजस्थान का जो पहला राज्यपाल बनाया गया वो किसको बनाया गया, गुरु मुख निहाल सिंह को। और वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र। चलिए यह था अपना राजस्थान का एकीकरण, तो इसमें कुल समय कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, ओके। हाँ तो ये था हमारा राजस्थान का एकीकरण जो इनके द्वारा पढ़ाया गया, बहुत ही सही ढंग से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा इन्होंने, मतलब कहें तो बिल्कुल चुटकियों में याद करने का तरीका था। अब बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर आप अंगुलियों पर याद करना चाहते हो, इनकी पूरी की पूरी क्लास लेना चाहते हो, मतलब आप ओवरऑल कहूँ तो इनकी यदि आप एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो तो अब भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट राजस्थान का जीएस पढ़ाएंगे, जिसमें राजस्थान पॉलिटिकल हिस्ट्री कल्चर सब कुछ बिल्कुल अंगुलियों पर याद करने के तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। कॉलेज लेक्चरर के लिए, जेएन के लिए बहुत स्पेशली बैच है ये, एकमात्र ऐसा बैच है जहां पर कंप्लीट कंटेंट आपको इसके अकॉर्डिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत शानदार तरीके से क्लास करवाई जाएंगी, ऐसे राजस्थान पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा, ऐसे राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, कल से बिल्कुल रेगुलर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर यही कंप्लीट करवाएंगे। इनकी कंप्लीट क्लास देखना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, फीस बिल्कुल नाममात्र है, 800 रुपये में कंप्लीट राजस्थान जीएस करवाया जाएगा, राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी। और इसमें ध्यान रहे, जैसे बीच बीच में ये बता रहे थे कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछा जा चुका है जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये सारा सारा बिल्कुल साथ के साथ बताया जाएगा कि कहां पर हम कंफ्यूज होते हैं और कहां से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ यहां पर वो समस्त क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नाममात्र चार्ज है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो इनकी यदि सारी सारी क्लासेस देखना चाहो तो आप, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए, बाय। बाकी ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनके ऊपर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, बाय।